हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये मैंने मैच बॉक्स बलून कार बनाया है जो कि काफी मजेदार है। चलिए फटाफट देखते हैं आखिर ये बनता कैसे। इसे बनाने के लिए सिंपली मैंने खाली मैच बॉक्स का यूज किया है। तो सबसे पहले हम दो खाली मैच बॉक्स को लेंगे और आपस में इस तरीके से चिपका लेंगे फेविक्विक की मदद से। और इसमें आपको होल करना है पीछे के साइड में और एक होल ऊपर के साइड में करना है। तो आप कोई सा भी शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हो और होल कर सकते हो। और एक और माचिस का डब्बा लेंगे जिसे उसमें भी हमें होल करना होगा। और ये देखिए नीचे वाले में कुछ मैंने बड़ा होल कर लिया है। और ये मैंने बलून लिया है फ्रेंड्स जिसमें मैंने स्ट्रो को अटैच कर दिया है और टेप से चिपका दिया है। और जो ऊपर वाला मैच बॉक्स था उसको इस तरीके से कट कर लेना है ताकि ये कार के शेप में आ जाए। तो मैं फटाफट कैंची की मदद से इसे कट कर लेता हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे लग जाएगा और ये जो मेरा स्ट्रो है वो इसके अंदर से होकर पार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रो को एडजस्ट करना है और पीछे के साइड से जो मैंने होल किया है वहाँ से निकालना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो इसे यहाँ पे चिपका देंगे हम फेविक्विक की मदद से। अब चलिए हम कार की व्हील बना लेते हैं। तो इसे व्हील बनाने के लिए हम बॉटल कैप का यूज़ करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 4 बॉटल कैप है और इसमें मैंने होल कर लिया है और इसमें मैं स्ट्रॉ लगा दे रहा हूँ और फिर इसके ऊपर मैं बड़ा वाला स्ट्रॉ लगाऊंगा। तो ये बड़ा वाला स्ट्रॉ है, इससे थोड़ा बड़ा है। इसमें इस तरीके से डाल देंगे और फिर दूसरे कैप को लगा देंगे। और ये व्हील फ्रीली मूव करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो ये देखिए फ्रीली मूव कर रहा है। दोनों व्हील को इसी तरीके से हम बनाएंगे। और ये देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है और इस जगह पे हमें चिपका देना है। तो एक आगे की व्हील और दूसरी पीछे की व्हील इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी हमारे कार के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कार की व्हील बन चुकी है। अब इसमें थोड़ा और सजावट कर देते हैं और ये जो कागज़ का टुकड़ा इसे लगा देते हैं। देखिए कितनी कार परफेक्ट लग रही है। अब हम थोड़ा इसमें ड्राइंग भी कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कार एकदम मस्त दिख रही है। चलिए अब चला कर देखते हैं। सिंपली आपको मुँह से फूंक कर हवा भरना है स्ट्रो के थ्रू और फिर इसे ज़मीन पर रख के छोड़ देना है। तो कुछ कार इस तरीके से चलती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।